क्या हुआ? खुश नहीं हो? नहीं, कुछ तो आपने पापा की बातें माइंड तो नहीं की ना। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। अरे माँ, आई लव यू। अब अगर तुम्हारे पापा की जली कटी का इनाम तुम हो तो आई डोंट माइंड। वैसे भी भाग के शादी की है, इतनी जल्दी थोड़ी मानेंगे। मुझे लगा था अब तक तो उनका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा, लेकिन शायद कुछ वक्त और लगे। पर मुझे पूरी उम्मीद है पापा मान जरूर जाएंगे। मानना तो पड़ेगा। अच्छा, आप मूड तो ठीक करें ना, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सर। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम्म, पहले मेरी बारी, अपना वॉलेट दे। सिकंदर, क्या हुआ है? वॉलेट मांग रही हूं मैं आपसे। वॉलेट? क्या मतलब? मेरे सारे पैसे खत्म हो गए? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखना, एक दिन मेरी मोहब्बत आपको चांद तक लेकर जाएगी। चलो, डर है कहीं तुम्हारी मोहब्बत मुझे अंदर ही ना ले जाए। अब मैं आपके पास हमेशा रहूंगी। रीमा, तुम्हें अजीब सी आवाजें नहीं सुनाई दे रही यहाँ पे? आवाजें हाँ? तो मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। सीखी सामने हलीमा कहाँ हो? हलीमा, हली आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अबे ओ हीरो, तेरे बाप का घर नहीं है बे, तमीज से बात कर। चल, अपनी बारी का इंतजार कर। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बीवी नहीं मिली और आपको तमीज की।
उसके सिवा कोई भी नहीं है मेरे इस दुनिया में। अबे मिल जाएगी तेरी बीवी। ओए चांडियो सर आगे। चुप कर, बंद कर अपना रोना। चलेंगे। किधर? अपने ऑफिस में। देखें, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि रिपोर्ट तो लिख ले। अबे तो क्यों दिमाग की दही कर रहा है? ले ले। हम भर चुपचाप। चल भर लिया। अच्छा अब ये रोना राशन बंद कर हैं और सीधी तरह बता, कुछ मारपीट या किसी आशिक के साथ छू? हाँ आपको क्यों लग रहा है कोई मारपीट की होगी या कोई झगड़ा हुआ होगा? कोई मारपीट नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं। 3 महीने पहले तो कोर्ट मैरिज की थी हमने। हाँ उसके वाले जरूर खिलाफ थे शादी के, तो इतने अरसे बाद घूमने के लिए निकले थे कि किसी के चीखने की आवाज आ रही थी, शायद कोई औरत थी। मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, लेकिन फिर ऐसे लगा कोई सड़क पर खड़ा हुआ हमें देख रहा। ये क्या है? अबे इसको चाय बोलता तू? ये ले चल जाके और बना के ला। चल अबे तू अभी तक रो रहा है? अच्छा चल चल आगे चल। यानी कि तुम दोनों की फिल्म किसी ने बगैर टिकट देख ली हैं? फिर आगे क्या हुआ? फिर वो सड़क के बीच में आ गई, मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब मैं होश में आया तो मेरी बीवी मेरे साथ नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा उसे नहीं मिला। फिर मैं आपके पास आ गया। एरिया कौन सा था? मेरा मतलब है कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कार सास। सलीम। जी सर। तो कल रात की सीसीटीवी फुटेज निकाल यार कार सास की। ठीक है सर। किस टाइम का वाक्य है ये? हाँ भाई शेरू, आज कमाल साहब और बड़े बॉस एक साथ ऑफिस में। मालूम है, दो अनमोल रतन एक साथ ऑफिस, लग रहा कुछ बड़ा पकड़ा। वैसे इनके बीच क्या चल रहा है? यानी हमें ऐसे क्या, नहीं गांव से काम रख। तू नादान है अभी शेरू, तेरे को पता नहीं है ये बातें होती है टिप की तरह, अपने पास संभाल के रखनी चाहिए। और ये अपने जो हैं कमाल साहब और बड़े बॉस मामू भांजा हैं आपस में, लेकिन है इट कुत्ते का बैर। वैसे वजह क्या इनकी नाराजगी की? शेरू मियाँ, आदमी जितनी भी तोप चीज हो ना अपने घर में मार खाता है। कमाल साहब हैं हुनियार पुलिस ऑफिसर, चुटकियों में करते हैं बड़े से बड़ा मसला हल, सोशल मीडिया अखबारात में इनके चर्चे, लेकिन अपनी माँ के कातिल को नहीं पकड़ पाए। यही वजह है दोनों मामू भांजा के आपस की बैर की। अच्छा तो ये स्टोरी है। हाँ तेरे को पता है ना, अगर कमाल साहब कहीं अड़ जाए तो उनको सिर्फ एक बंदा वहाँ से हिला सकता है, वो है कमाल साहब खुद। 18 साल हो गए इस केस ने नाम को कभी जागने दिया ना सोने दिया। ऐसे हैरा तो तेरे को नहीं पता इन चीज़ों का। ये मैं कहता हूँ ना अपने, ये जो है तू अपना मुंह को कर बंद, कान और दिमाग रख खुला,
अच्छा तू सब कुछ छोड़, तू ये चाय डाल और आज का हो गया खबरनामा खत्म। चल ये तो अपने कमाल साहब की बिल नहीं, उनका जरा कप बना दे, मैं जरा हेलो आए कराऊंगी इनको। डाल दे डाल दे। रुक रुक, चांडी को भी देता जा। जहर ना दे दूं मैं तेरे चांडियों को, दे दे। तारीख 5 दिसंबर, श्वेत कल्टस थी। जी सर, नजर आई क्या? आ जाएगी आ जाएगी। अबे एक बात बता, ये लड़की का बाप कोई बड़ा आदमी है क्या? जी सर, मुझसे तो बड़ा ही आदमी है, मेरा मतलब है इतना गरीब नहीं है। अच्छा अच्छा बता कि लड़की की कुछ तस्वीर, मेरा मतलब है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, है कोई पिक्चर विक्चर? मैं देता हूँ सर। ये फाइल केस नंबर NH-485 की डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जैसे आपने मांगी थी। गार्ड्स की स्टेटमेंट्स मैनेजर की स्टेटमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, व्हाट डू यू थिंक? सर मुझे लगता है ये गार्ड्स मैनेजर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी गार्ड्स ने खुद की है। लेकिन चोरी से फायदा सिर्फ मैनेजर का है, पिछले 6 महीने से गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी उसने। सर बज़ाहिर मैनेजर की रेपुटेशन को देखकर शक करने की वजह नहीं बनती। फरहान, हमारे पेशे में रेपुटेशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन मैटर करती है, और वैसे भी बेईमानी और ईमानदारी के बीच में सिर्फ एक मौके का फासला होता। जस्ट डिग डीप, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। राइट सर, मैं सर मैनेजर को दोबारा बुलवाकर हर एंगल से उसकी इन्वेस्टिगेशन करता हूं, इस दफा कुछ मिस नहीं होगा और जवाब उगलवा कर छोड़ूंगा। सर एक और बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं। को? वही कारसाज लोग कहानियां सुनने में आ रही हैं, कोई सॉलिड रिपोर्ट नहीं, लेकिन अभी कुछ अरसे से दोबारा वाकया सुनने में आ रहे हैं। हम सुनी सुनाई बातों पे कब से इन्वेस्टिगेशंस करने लगे? जब तक तो कोई सॉलिड एविडेंस या FIR नहीं होगी, हमें उसे दूर रहना पड़ेगा। यस सर। सलाम बोस, कैसे हो? आज तो चाय के बगैर ही काम शुरू है। मुर्शिद कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक बोस, हमको क्या होना है? अच्छा आपको देख के लगता है आज किसी मुजरिम के पत्ते बेचने वाले हैं। हैं बोस, पत्ते तो बिछने वाले हैं। किसी अंदर वाले भी तो शक नहीं है आपको? अंदर वाला है तुम्हारा बॉस, अब सोचो कि इस इदारे में तुम्हारा कौन सा वाला बॉस है वो। वैसे बॉस आपस की बात है, वो तो अपने आप में ही पूरा है, उसके पत्ते तो अपने आप ही पीछे पड़े। फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप उस पर। किसकी बात कर रहे हो तुम? आप चांडियों की बात नहीं कर रहे? खुल्ला खुल्ला कमीशन खा रहा है वो बेवकूफ। शहर में रहते हुए अगर ऊपर की कमाई ना हो तो गुजारा नहीं हो सकता, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। बॉस मैं कहां से जानता हूँ, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। हाँ तुम ही तो शरीफ हो। हाँ बस आयो।
लड़का कौन है जो चांडियों के साथ बैठा? कौन? वो देवदास। बस उसकी बेगम शादी की पहली रात ही भाग गई। हाथ आओ पर मुंह ना लगाओ वाला सीन हो गया भाई के साथ। बेस हो गया तुम सब लोग यहाँ रहकर। बेस? बस ये आप कह रहे हैं? ऐसे बॉस कुछ रहा नहीं है उसमें पर्दा उठाने लायक। फिर भी जाओ, जाकर पर्दा उठाओ। ये बस मेरी पिया बड़ा बेदर्दी, मेरी पिया मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। अभी अपना कोई नंबर वंबर दे जा, कुछ हाथ लगा तो बुला लेंगे। वैसा अगर इधर आ। जी बस। जा इसकी कॉपी करवाओ उधर लगा दे। सही हो गया बस। मैं चलता हूँ फिर, कल दोबारा आऊंगा। अरे बोला ना, कुछ हाथ लगा तो खुद बुला लेंगे। और सुन, सिर्फ तेरी बीवी मिसिंग नहीं है, वो देख वो कईयों की बीवियां बच्चे शोहर आधा शहर मिसिंग है भाई। ऐसे कामों में टाइम लगता है, अबे तू खुद भी अपनी जगह कोशिश कर। शायद हो सकता है उसके बाप ने उठवा लिया हो। काश ऐसा ना हो। बच्चे उम्मीद कर ऐसे ही हो। चल जा। मिल गए सर, ये सारा वाक्या कारसाज पर हुआ है। आई थिंक वी हैव अ सॉलिड केस नाउ।
मैंने कहा निकलो, मैंने मना किया था ना तुम्हें, तुम ऐसा नहीं मानोगे, निकलो। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे बताने के लिए खुशखबरी है। बताएं बताएं। बहुत अच्छी लड़की मिली है, बाहर से पढ़ी है, कमाल। इस बार मैं नहीं नहीं सुनूंगी। और मैं इस बार हाँ कहने के मूड में नहीं हूँ आपी, जब भी मूड हुआ ना मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, आई प्रॉमिस। मैं उनकी फैमिली से मिल चुकी हूँ, दो बहने हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तुम्हारे लिए बड़ी वाली को पसंद किया है मैंने। कमाल, अम्मी के जाने के बाद तो तुम मेरे छोटे भाई से ज्यादा बड़े बेटे बन गए हो। बच्चों वाली जिदे, प्लीज मान जाओ मेरी बात। अच्छा ठीक है, आपको जो बेहतर लगता कर लें, बस मुझसे सब बहस मत करें। आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस कमाल, क्यों ना कुछ दिनों के लिए मेरे पास इस्लामाबाद आ जाओ। Kids miss you. आ जाऊंगा, एक्चुअली भी केस में उलझा हुआ हूं, वो सुलझा लूं तो फिर आ जाऊंगा इस्लामाबाद। ना जाके, आखिरी लम्हे कोई और के सर पर आ जाएगा और तुम कहोगे वक्त नहीं निकाल पाया आपा। वक्त का क्या भरोसा आपा, लेकिन आप फिक्र ना करें, I'll be there. तुम बहू अम्मी पर गई, वो भी एग्जैक्टली यही बोलती थी। उन्होंने ख्वाब में भी यही कहा था। ख्वाब में अम्मी ने? कमाल, वो ख्याल दोबारा तो नहीं आ रहे तुम्हें? नहीं। I'm worried about you. कमाल, वो पुरानी बातें, अम्मी के जाने का गम हम सबको है, बट 18 साल गुजर चुके हैं, कहीं फिर से सोचने तो नहीं? नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। Honestly, मैं केस में बहुत ज्यादा उलझा हुआ हूँ, इतना ज्यादा कि कुछ पुराना सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा। बस एक बार एक केस सॉल्व कर दूं, फिर मैं आऊंगा इस्लामाबाद आप लोगों के पास, ओके? अच्छा, अच्छा पापा से मेरी बात हुई थी, तुम उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? कमाल, मैं बिजी हूं अभी, बाद में बात करता हूं। वापस ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया? वो सब एक जैसे, कोई सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं किसे बताता? सब एक तरफ और वो एक तरफ। कौन? वही जो तुम्हारा सच जानने के लिए सबसे ज्यादा बेकरार है।
मैंने कहा निकलो, मैंने मना किया था ना तुम्हें, तुम ऐसे नहीं मानोगे, निकलो। आंखें मत खोलना बेटा, आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना। सिकंदर, सिकंदर बाहर आ, मुझे पता है तू अंदर है। सिकंदर देख, तेरा इस महीने का किराया बकाया है और पिछले महीने का बिल भी तूने आधा दिया था बिजली का। सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर क्या हो गया अंकल, क्यों चीखे जा रहे हैं? सुन बेटा, तो मुझे पता है तूने अभी शादी की है, अखराजात बढ़ जाते हैं,
लेकिन मैंने भी कोई खैराती घर तो नहीं खोल रखा ना, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, उनका पेट भरना होता है। देख देख मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ। आखिरी बार क्या होता है अंकल, निकाल सकते हैं मुझे? चीप बातें कर रहे हैं आप। आपको तमीज नहीं है बात करने की? कितने बड़े हैं आपसे। छोड़े पापा, आए चलते हैं। अलीमा, अलीमा तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? चलो बेटा चलो। अंकल अंकल ठहरे ठहरे ठहरे, ये 25,000 रुपये है, 20,000 पिछले महीने किराया और 5,000 जो बिजली का बिल आया था वो। चलो बेटा आजो। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।